दो दिन पहले पतपड़गंज इलाके के जल विहार में हुई टैटू आर्टिस्ट के मर्डर का खुलासा हो गया है। पुलिस ने इस मामले में मृतक बबलू के तीन दोस्तों को गिरफ्तार किया है। दरअसल बबलू ने इनमें से एक आरोपी प्रशांत से 15,000 रुपए उधार लिए थे, लेकिन अब वह आरोपियों को पैसा लौटाने में आनाकानी कर रहा था। इसी बात को लेकर तीनों ने मिलकर बबलू का कत्ल कर दिया। आरोपियों ने साजिश के तहत पहले मृतक बबलू को 10 दिसंबर को शराब पिलाई और उसके बाद उसकी गला रेतकर हत्या कर दी। उसका शव एक पार्क में फेंक दिया। पुलिस को गर्दन से अलग हुआ शव मिला था, जिसके बाद मामले की तहकीकात की गई और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। दिल्ली से सुरेंद्र सिंह के साथ प्रियंका की रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स।